नमस्कार दोस्तों दोस्तों अपने देश के अंदर एक कार्ड बन रहा है जिसका नाम है श्रम कार्ड। तो दोस्तों अपने देश के अंदर जितने भी ऐसे स्टूडेंट हैं जो अभी स्टडी कर रहे हैं, तो काफी लाख स्टूडेंट्स ने श्रम कार्ड को बनवा लिया है। अब उनका कहना यह है कि हम एक स्टूडेंट हैं और हमने श्रम कार्ड को बनवा लिया है, तो मतलब बहुत सारी प्रॉब्लम, मतलब ऐसे मन में सोच रहे हमें बहुत सारी प्रॉब्लम आ सकती है, जैसे स्कॉलरशिप रुक जाना, भविष्य में कोई प्रॉब्लम हो जाएगी, या फिर हमारी जो गवर्नमेंट जॉब में समस्या हो जाएगी। ऐसे काफी सारे कंफ्यूजन है कि श्रम कार्ड स्टूडेंट ने बनवा लिया है यदि तो क्या कर सकते हैं। काफी लोग चाहते हैं श्रम कार्ड को अपना कैंसिल करना भी। तो इन सारे कंफ्यूजन जो है, आपकी कोई समस्या है, यदि आप एक स्टूडेंट हैं और आपने श्रम कार्ड बनवा लिया है तो आपको क्या करना चाहिए, आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो यदि आपको भी जानना है तो वीडियो के साथ शुरू से लेके अंत तक बने रहेगा। दोस्तों मैं सूर्यप्रकाश चौबे और आप देख रहे हैं चैनल चौबे टेक्निकल। दोस्तों आज की जो कमाल की वीडियो है शुरू करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे मेन कंफ्यूजन यही है कि हम एक स्टूडेंट हैं और हमने श्रम कार्ड को बनवा लिया है, तो हमें अब क्या करना चाहिए। काफी लोगों का मतलब ऐसा सवाल था कि हमारी स्कॉलरशिप जो है वो रुके भी तो नहीं। तो मैं अपनी पिछले वीडियो बता चुका हूँ कि यदि आपकी श्रम कार्ड बना चुके हैं तो आपकी स्कॉलरशिप जो है बिल्कुल रुकने वाली नहीं है, ऐसे मन में कंफ्यूजन है तो आप दूर कर लीजिए। उसके बाद काफी सारे लोग ऐसे भी हैं जो पूछ रहे हैं कि हमारे गवर्नमेंट जॉब में आने वाले भविष्य में कोई समस्या तो नहीं हो सकती है श्रम कार्ड बनाने के कारण। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सरकार ने बहुत सिंपल तरीके में यह बताया है कि वही इंसान श्रम कार्ड बना सकता है। मतलब जो इसकी योग्यता क्या है श्रम कार्ड बनाने की, बहुत सिंपल है कि आपकी उम्र 16 साल से लेकर 59 साल यानी कि 59 ईयर तक आपकी आयु होनी चाहिए, इसके बीच में है तो आप श्रम कार्ड बनवा सकते हैं। एंड आपका ईपीएफओ यानी कि आपका पीएफ नहीं कटता होगा। एंड आप जहां पे मतलब कहीं काम वाम करते हैं तो आपकी जो ईसीआईसी जो होती है, मतलब मेडिकल उपचार जो होता है वो फ्री में हो जाता है, वहां पैसे कट जाते हैं आपके डायरेक्ट। तो ये सब आपका है, ईएसआई है, तो आपको मतलब श्रम कार्ड आप नहीं बनवा सकते हैं। तो योग्यता बहुत सिंपल है कि आपकी उम्र 16 से 59 साल के बीच होनी चाहिए, आपका पीएफ खाता नहीं होना चाहिए एंड ईएसआई नहीं होनी चाहिए। अगर ये सब नहीं है तो आप आराम से इस श्रम कार्ड के लिए एलिजिबल है। अब सरकार ने ऐसे नहीं कहा है कि एक स्टूडेंट नहीं बनवा सकता है, बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, लेकिन ये बात है कि इस श्रम कार्ड बनवाते वक्त आपसे पूछा जाता है कि आपका व्यवसाय क्या है, यानी कि ऑक्यूपेशन क्या है आपका, ठीक है। तो वहां पर काफी लोगों जैसे आप कई लोग ऐसे होते हैं जो स्टूडेंट रहते हैं कहीं पर जॉब भी करते हैं। तो मान लीजिए वो ऐसे कहीं इलेक्ट्रिशियन फील्ड में, मान लीजिए कहीं जो अपने बीएससी कर रहे हैं साथ में प्लस इलेक्ट्रिशियन फील्ड में काम भी करते हैं, तो अपने ऑक्यूपेशन में इलेक्ट्रिशियन बन सकते हैं। तो ऐसे लोग बिल्कुल आराम से श्रम कार्ड बनवा सकते हैं। लेकिन मान लीजिए आप बिल्कुल केवल स्टूडेंट हैं, केवल स्टडी कर रहे हैं, ठीक है, और गवर्नमेंट जॉब की तैयारी भी कर रहे हैं और आपने श्रम कार्ड बनवा लिया है तो कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि आपको बनवाना नहीं चाहिए क्योंकि आपका कोई व्यवसाय भी नहीं है तो आपने श्रम कार्ड क्यों बनवाया। बट आपने यदि बनवा लिया है तो आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है कि अब मैं इसको कैंसिल कैसे करूं। हालांकि सरकार ने इस श्रम कार्ड को डीएक्टिवेट या फिर कैंसिल करने का भी कोई भी माध्यम नहीं दिया है। अगर ऐसा होता है तो हम जरूर वीडियो लेकर आएंगे, ठीक है। तो अपने मान लीजिए आपने बनवा लिया है तो आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है, आपको भविष्य में किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होने वाली है, ठीक है। तो ऐसे कुछ लोग हैं जो स्टूडेंट हैं और इस श्रम कार्ड बनवा चुके हैं, तो मैंने इस वीडियो के अंदर सारे कंफ्यूजन को दूर कर दिया है कि आपकी स्कॉलरशिप भी नहीं कटेगी, भविष्य में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, प्लस आपने कोई मतलब कहीं जॉब वॉब नहीं करते हैं, केवल स्टडी ही कर रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब के लिए आप तैयारी कर रहे हैं, तो आप श्रम कार्ड बनवा चुके हैं तो कोई बात नहीं, बनवा लिया है तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई आपको सरकार कुछ करने वाली नहीं है, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। हालांकि ये बात जरूर है कि श्रम कार्ड उन लोगों के लिए ही मतलब लाया गया है जो असंगठित क्षेत्र में काम करते हैं, जैसे एक नाई की दुकान, ठेला लगाने वाला, प्लेटफॉर्म पे काम करने वाला, मतलब असंगठित होकर जिनका पीएफ खाता भी नहीं है, उनको कोई मतलब कोई सुविधा नहीं मिल रही कहीं से भी, वो एक इंडिविजुअल तरीके से एग्रीकल्चर के काम करने वाले। मान लीजिए आप स्टडी करते करते कॉलेज में अपने घर का जो खेती बाड़ी काम वो भी आप संभालते हैं, तो आप एग्रीकल्चर ऑक्यूपेशन में भरकर अपना श्रम कार्ड बना सकते हैं। तो आपको ऐसा कोई मतलब ज्यादा कंफ्यूजन वाली बात नहीं है, ठीक। तो दोस्तों मैंने आपको इस वीडियो के अंदर, यदि आप एक स्टूडेंट हैं और आपने श्रम कार्ड बनवा लिया है तो आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने को सकता नहीं है, बनवा लिया है तो बनवा लिया है, कोई दिक्कत नहीं। हालांकि इसको कैंसिल करने की कोई सिस्टम नहीं है, आपको भविष्य में कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है, ठीक है। तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, इस वीडियो को देखने के बाद में आपको कहीं पर भी सर्च करने की सकता नहीं है कि हम एक स्टूडेंट हैं तो हमें कोई प्रॉब्लम होगी या नहीं होगी, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, ठीक। दोस्तों आपको जानकारी और वीडियो कैसी लगी, आपको जानकारी और वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और साथ में दूसरे दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा ताकि उनको इस बात की नॉलेज हो सके। और दोस्तों मैंने इस श्रम कार्ड से रिलेटेड बहुत सारी वीडियो बना रखी है, तो उन वीडियो को भी आप देखकर अपने इस श्रम कार्ड से रिलेटेड बहुत सारे कंफ्यूजन को आराम से दूर कर सकते हैं, ठीक। तो दोस्तों आपने यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो आपको बहुत धन्यवाद, और नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखना चाहिए क्योंकि आने वाले फ्यूचर में कुछ इस प्रकार की वीडियो लेकर आने वाला हूं जो सीधा तौर पर आपके लिए हेल्पफुल साबित हो पाएंगे। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छी और शानदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।